सिर्फ 15 मिनट गर्दन के चारों ओर लगाए और साफ व गोरी गर्दन पाए। नमस्कार, कोलगेट से गर्दन का कालापन करे दूर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गर्दन को दाग रहित और उसका कालापन दूर करना चाहते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और आसान उपाय है। अक्सर हमारी गर्दन पर कालापन होने के कारण वो हमारे चेहरे से तो अलग दिखती है, साथ ही साथ दिखने में मैली सी लगती है, जिसके कारण हम हर बार ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी गर्दन जो है छिपी सी रहे। लेकिन आज की इस उपाय के सिर्फ 15 मिनट के इस्तेमाल से ही आपकी गर्दन का रंग आपके चेहरे के जैसा साफ और सुंदर दिखने लगेगा और आप जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कैसे आपको इस उपाय को तैयार करके इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे दोस्तों टूथपेस्ट का। यहाँ पर मैंने कोलगेट का इस्तेमाल किया है। आप जो है बिल्कुल साधारण टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि ना तो वो रंग बिरंगी होनी चाहिए और ना ही उसमें किसी तरह का कोई जेल होना चाहिए। साधारण टूथपेस्ट में दोस्तों फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा पाया जाता है, जो आपकी स्किन को दाग रहित और आपकी स्किन को लाइटन करने में फायदा करता है, जिससे कि आपकी गर्दन जो है धीरे धीरे उसके रंग में निखार आएगा। आपको यहाँ पर टूथपेस्ट कितनी लेनी है आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पर इतनी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एलोवेरा जेल को। आप यहाँ पर होममेड एलोवेरा जेल ले सकते हैं, नहीं तो ये जो मार्केट से इस तरह का एलोवेरा जेल मिलता है आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और इसमें मिला लेना है। इसके बाद आप जो है चम्मच की मदद से इन दोनों को अच्छे से हिलाइए और इसे मिक्स करके आपका ये जो है एक पेस्ट तैयार होगा। 1 से 2 मिनट तक लगातार हिलाने पर जब ये पेस्ट तैयार हो जाए, इसके बाद आपको यहाँ पर लेना होगा गर्म पानी। आपको यहाँ पर हल्का गर्म पानी लेना है, यानी कि गुनगुना पानी लेना है, और साथ में आपको यहाँ पर प्रयोग करना है नमक का। आप यहाँ पर सफेद नमक लीजिए और इसके साथ आपको यहाँ पर लेना होगा 1 चम्मच। आप चम्मच की सहायता से 1 चम्मच नमक जो है इस पानी में डालिए। आपको इस हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर इसे अच्छे से हिलाना है और इसे पानी में मिक्स कर देना है। अब जो है हमारा ये उपाय तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। इस उपाय का प्रयोग करने के लिए दोस्तों आप चाहे तो एक तौलिया या आप एक छोटा रुमाल ले सकते हैं। आपको जो है कुछ इस तरह से एक छोटा रुमाल लेना है। रुमाल जो है दोस्तों आपका जो है सॉफ्ट होना चाहिए और आप यहाँ पर इस रुमाल को कुछ इस तरह से आपको इस पानी में डुबोना है। आपको यहाँ पर गुनगुने पानी में डुबोना है और डुबाने के बाद आपको इसे अपनी गर्दन पर कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल वैसे ही इसे अपनी पूरी गर्दन के ऊपर लगाना है। आप इसकी मालिश अपनी पूरी गर्दन पर सही से कीजिए। ऐसा करने से दोस्तों ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा और आपकी गर्दन पर त्वचा की नई परत लाने में मदद करेगा। आपको दोस्तों इसकी मालिश 5 मिनट तक इसी तरह से करनी है और उसके बाद आप किसी भी साधारण से कपड़े से अपनी गर्दन को पोंछ सकते हैं। और अब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे इस उपाय का। आप जो है दोस्तों उंगलियों में इसे थोड़ा सा लगाइए और इसके बाद आप इसे गर्दन पर लगाइए। आपको दोस्तों इस उपाय को अपनी पूरी गर्दन पर लगाना है और पूरी गर्दन पर अच्छे से लगाने के बाद आप इसे धीरे धीरे उंगलियों से रब करें। इसके बाद दोस्तों आप 15 मिनट के लिए इसे अपनी गर्दन पर ऐसे ही लगा रहने दें और 15 मिनट के बाद आप अपनी गर्दन को धो लीजिए। आपको इसका इस्तेमाल दोस्तों ऐसे ही करना है और हफ्ते में इसका प्रयोग 3 बार करना है। 15 मिनट लगाने से ही दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी गर्दन पर किसी भी तरह के दाग और आपकी गर्दन का कालापन धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।